जब तक जाति रहेगी तो आरक्षण रहेगा। आरक्षण खत्म करना है तो पहले जाति खत्म करो, क्योंकि पहले जाति आई, आरक्षण तो बाद में आया। तो जाति पहले आई है तो जाना भी पहले जाति को पड़ेगा। लालू जी ने जैसे कहा कि कान अमेट के जाति जनगणना करवाएंगे, वैसे हम लर भीर के और मनुवादियों के सीने पे बैठ के इस देश से जातिवाद खत्म करें। राहुल गांधी आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। मैं आदर्श स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति है कि जाति खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए, यही तो आदर्श स्थिति, यही बात राहुल गांधी कर रहे हैं। आदर्श स्थिति आ जाए मतलब जाति खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल, जिन सवालों पर हम लोग लगातार एक डेढ़ दशक से फैसला आया, आरजेडी, मायावती, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, सभी ने इस पे जो है अपना स्टैंड लिया, लेकिन राहुल गांधी ने स्टैंड नहीं लिया। अब मैं आपको जवाब उसी का दे रहा हूँ कि राहुल गांधी ने स्टैंड नहीं लिया। आप समझिए, आप राहुल गांधी की तुलना मायावती कर देंगे? नहीं ना। दोनों का सोशल स्टेटस देखिए। राहुल गांधी क्या है? पैदाइशी ब्राह्मण। आप उनसे उम्मीद करेंगे कि मायावती जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जो मायावती दलितों का दर्द समझेंगी, जो हम समझेंगे, राहुल गांधी थोड़े समझते। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, लेकिन वो हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे ना आरएसएस के लोग। राहुल गांधी की तुलना आरएसएस से नहीं कर सकते। देखिए, नमक हराम समाज को नहीं होना चाहिए। हम कोई कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, लेकिन समाज को नमक हराम नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी लगातार हमारे सवाल को उठा रहे हैं, जाति जनगणना पर अड़े हुए हैं, और उन्होंने जाति जनगणना जो आज तक सामाजिक सवाल था उसको राहुल गांधी जी ने राजनीतिक सवाल बना दिया। आप समझिए चीजों को। सर, आप कह रहे हैं बहुजनों की आवाज है राहुल गांधी, तो जो आरक्षण, नहीं, मैं बहुजनों की इसके सवाल उठा रहे, मैंने ये कहा, आप वीडियो देख लीजिए, बहुजनों के सवाल उठा रहे। आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला, इस पर जो है क्यों नहीं बोल, ये आरक्षण के वर्गीकरण के फैसला पर आप राहुल गांधी को छोड़िए, बहुजन समाज के बहुत लोग चुप है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस फैसले के अंदर कंट्राडिक्शन है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इस कंट्राडिक्शन पे हम लोग भी एक लिमिटेड ही बोल पा रहे हैं, और इस कंट्राडिक्शन में किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरएसएस की पूरी साजिश यही है कि इस कंट्राडिक्शन में जो है बहुजनों के बीच, दलितों के बीच तोड़फोड़ मचाई जाए, और हम आरएसएस की साजिश को नाकाम कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कांग्रेस की शुरुआत से आरक्षण विरोधी नीति रही है, और उसी का ये नतीजा है कि राहुल गांधी, भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगा देते। आप ये बताइए, हमारे समाज के लोगों को सरकारी नौकरी आरएसएस ने दी? आरएसएस ने जो है भेल, गेल, सेल, एम्स, रेलवे बनाए, वहां सरकारी नौकरी दी, राशन की राशन में आरक्षण दिया, तमाम सरकारी संस्थान भारत में कांग्रेस ने बनाए और वहां हमें सरकारी नौकरी मिली। जहां जातिवादी कांग्रेस कहां है वहां पकड़िए। कांग्रेस का जो संगठन, कांग्रेस का जो संगठन का ढांचा है वो ब्राह्मणिकल, वहां सवर्णों का साम्राज्य है, उस पर बात करिए, वो सच्चाई है। लेकिन इस देश में दलितों पिछड़ों को आरक्षण कांग्रेस की वजह से मिला, और बीजेपी का जब जब शासन आता है हमारा आरक्षण खा गया। आप बताइए ना, बेच दिया ना बीजेपी ने सब, तमाम सरकारी संगठन बेच दिए, खोजिए नौकरी। कांग्रेस ने बनाया, दलितों को सरकारी नौकरी मिली, और बीजेपी ने बेच दिया, अब खोजिए नौकरी। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, कम से कम आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस और भाजपा को एक जगह आप नहीं रख सकते। हाँ, भागीदारी के सवाल पर आप रख सकते हैं, बिल्कुल है। कांग्रेस का स्ट्रक्चर ब्राह्मणिकल है, ब्राह्मणों का राज चलता है, कोई शक नहीं।